जब किसी दोषी का प्रूफ होगा उससे पहले ही जब हम रिपोर्ट लिखवाते हैं पुलिस बिना सबूत के ही बंदे को अरेस्ट कर लेती है। बेटी बेटी होती है, कोई जाति धर्म कुछ नहीं होता, सबकी बेटी सम्मान होती है। फिर ऐसी बात बोलना पिछड़े का आंदोलन है, अगड़े का आंदोलन है, न्याय तो न्याय है ना। अगर साक्षी मलिक को न्याय मिलना चाहिए तो अंकिता को न्याय नहीं मिलना चाहिए जिसका हरियाणा में मर्डर कर दिया गया, श्रद्धा को न्याय नहीं मिलना चाहिए जिसके 35 टुकड़े काट दिए। मैं संतोष चौबे न्यूज 24 सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसवीर सिंह। थोड़ा साफ तेज बोलो। नाम जसवीर सिंह। जसवीर साहब ये बताइए कि जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा है, जैसे बेटियों का प्रोटेस्ट चल रहा है कि छेड़छाड़ का है जो भी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इन बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए इसके लिए। नहीं आपको लग रहा है कि इंसाफ मिलने में देर हो रही है? बहुत ज्यादा देर हो रही है इंसाफ मिलने के अंदर इन्हें। अच्छा, क्योंकि वो जो MP है जो हमने उसके बारे में सुना और देखा है वो BJP का है, इसलिए उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा। अच्छा। अगर उसकी जगह किसी और पार्टी का होता तो शायद अब तक इंसाफ हो जाता उनका। अच्छा। आपको लग रहा है कि BJP पार्टी की वजह से वो बंदा बच रहा है? हाँ जी, इसी वजह से बच रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे जब तक किसी दोषी का दोष प्रूफ नहीं हो जाता है तब तक वो दोषी नहीं माना जाता, इसके बारे में आपको क्या कहना? जब किसी दोषी का प्रूफ होगा उससे पहले ही जब हम रिपोर्ट लिखवाते हैं पुलिस बिना सबूत के ही बंदे को अरेस्ट कर लेती है। बिल्कुल। तो इस बार इन लोगों ने किसी ने अरेस्ट नहीं किया, कोई पूछताछ नहीं चल रही, ये कहीं भी नहीं दिखाया गया किसी न्यूज में। प्रशासन उनके घर पे गया, उनसे पूछा हो आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे, वो चीज नहीं दिखाई गई कहीं। अच्छा। तो आपको लग रहा है कि मतलब जो न्याय है उसमें काफी देर हो रही है? बहुत ज्यादा देर हो रही है। न्याय के अंदर ये कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि जो बेटियां बैठी हमारे देश की है, देश का भविष्य है, इन्हें हमारे देश के लिए कितने मेडल जीते हैं, हर चीज की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरदार साहब। एक मिनट, आपका शुभ नाम क्या है? गुरजीत सिंह। गुरजीत साहब ये बताइए कि जो कुछ भी बेटियों के साथ हो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गलत हो रहा है वैसा जो भी कुछ हो रहा है ना, इनको इनको इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा। और जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम से बैठे हैं ये। खैर मैं पहली बार आया हूँ इधर, पर इंसाफ होना चाहिए जी। अच्छा। क्या आपको लग रहा है कि जैसे कि कुछ ऐसा नहीं है किसी कोई राजनीतिक पार्टी और अपना कुछ मतलब इसमें उल्लू सीधा कर रहे हैं? बिल्कुल है जी, क्यों नहीं कर रहे हैं उल्लू सीधा। हर राजनीतिक बंदा उल्लू सीधा करेगा अपना, कोई सपोर्ट करेगा कोई बिन सपोर्ट करेगा, इनको हर बंदा अपना उल्लू सीधा कर रहा है आज के टाइम में, पर इंसाफ नहीं मिल रहा ना बंदे को जी, इंसाफ मिलना जरूरी है। आपको नहीं लग रहा है कि कानून अपना काम कर रहा है, कानूनी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ही, दोषी करार देने के बाद ही तो सजा होगी? नहीं वो तो बात आपकी ठीक है सजा होगी, पर कुछ उस पर कार्रवाई तो हो ना, कुछ पता नहीं लग पा रहा अभी तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नहीं ऐसा ऐसा तो अभी आया था पीछे कि उनके जो अपने जिस पद पर है उससे उनका रिजाइन हो चुका है। नहीं मेरी नॉलेज में नहीं आया जी, फिर मैंने नहीं ऐसा मैंने सुना कि रिजाइन हो चुका, मैंने नहीं सुना जी इस चीज में। और भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। आप आएंगे, आपका शुभ नाम क्या है? मैं राजस्थान से हूँ। प्रतीत बोलिएगा। मैं राजस्थान से हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी साहब ये बताएं कि जो कुछ भी बेटियों के साथ हो रहा है, शायद एक पिता बाबा भैया भाई कुछ भी होंगे, हम भी हैं आप भी हैं, तो ये बताइए कि इन बेटियों ने तो खैर बहुत बड़े काम किए हैं, तो ये बताइए कि आपका कहना क्या है? मेरा ये कहना है कि बेटी बेटी होती है, कोई जाति धर्म कुछ नहीं होता, सबकी बेटी सम्मान होती है। और किसी भी बेटी के साथ, ये तो बहुत मानी हुई बेटियां हैं, लेकिन अगर एक रोड पे बैठी है वो भी एक बेटी है, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। और जो हो रहा है ये न्याय जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, देरी से मिला हुआ न्याय भी न्याय नहीं हो रहा। ये मुझे बड़ा दुख है कि इसमें देरी नहीं होती, उसको अरेस्ट करके न्याय होना चाहिए। आपको लग रहा है कि ज्यादा देरी हो रही है इसमें? बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट अपने या प्रशासन अपने स्तर से काम कर रहा है? नहीं वो गवर्नमेंट बचाव कर रही है अपने पक्ष का। अच्छा। काम सही नहीं कर रही है। अच्छा। अपने पार्टी के नेताओं को बचाने में लगी हुई है। आपका शुभ नाम क्या है? जितेंद्र। मिलेगा जितेंद्र। जितेंद्र साहब ये बताएं कि जो कुछ भी बेटियों के साथ हो रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए बेटियों के साथ जिस प्रकार की जो घटना यहाँ पर चल रही है, ये आंदोलन चल रहा है, जिस तरह की घटना बताई जा रही है, इसका जो निर्णय होना है वो कानूनन होना है। और कानूनन होना है, न्याय के लिए आवाज उठाना अच्छी बात है, न्याय के लिए आवाज उठानी चाहिए, परंतु अपने मंच से राजनीति का विरोध करना, प्रधानमंत्री का विरोध करना, जातियों का विरोध करना, धर्म का विरोध करना, ये इस आंदोलन को कमजोर करेगा। अच्छा। जैसे कि हमने आज भी पूछा है संगीता मेहनते कि मैडम यहाँ पर कुछ पिछले बार में आया था तो कुछ लोग कर...
रामगुप्त सूत्रों से ही समझ लीजिए कि नहीं ये पिछड़े तबके की बेटियां इस करके बड़े वर्ग के लोग नहीं मेरे से यहाँ पर आए, और मेरा वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैंने शायद उसको प्रसारण किया भी है कुछ हद तक। तो इसके बारे में आपको, बेटियां तो सबकी हैं, किसी एक की तो है नहीं हो, वो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोगाट फैमिली की है, क्योंकि बहुत बड़े स्तर के उन्होंने काम किया है समाज और देश के लिए, तो उनको तो एक तरफ से देखा नहीं जा सकता ना। देखिए, अगर ये बेटियों का मामला है, या तो बेटियां बेटियों का मामला बना लीजिए या जाति का मामला बना दीजिए। इस आंदोलन पे आरोप ही यही लग रहे हैं कि ये जातिवादी आंदोलन हो गया। फिर ऐसी बात बोलना पिछड़े का आंदोलन है, अगड़े का आंदोलन है, न्याय तो न्याय है ना। अगर साक्षी मलिक को न्याय मिलना चाहिए तो अंकिता को न्याय नहीं मिलना चाहिए जिसका हरियाणा में मर्डर कर दिया गया। श्रद्धा को न्याय नहीं मिलना चाहिए जिसके 35 टुकड़े काट दी। उनके लिए तो कोई नहीं यहाँ पे आके बेटी के लिए आवाज उठा रहा। तो केवल इनके साथ अभी आरोप ही है, वो भी शोषण, किसी ने हाथ नहीं लगा, कोई किसी तरह का वो जो है सेक्सुअल हरेसमेंट का वो नहीं है, केवल आरोप ही लगाया उसको, जातिवाद धर्मवाद सभी रंग दे दिए गए। रोज सुबह यहाँ पर आइए, कोई ना कोई उठे, कोई मनुस्मृति को गाली दे रहा, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई ब्राह्मण को गाली दे रहा, कोई ठाकुर को गाली दे रहा। अरे इसमें फिर तो एक जाति का और एक धर्म का। मैंने यही क्वेश्चन संगीता मैम से किया और वहां पर लोग हमसे नाराज भी हो गए कि भाई ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग सबके लिए बराबर है, तो आप यहाँ पर जो मैंने सुना कि भाई मनुवादी के हमारे सामने गाली दी है कि मनुवादी लोग अपना प्रचार करने, यहाँ पर बेटियों को न्याय दिलवाइए, या मनुवादी और अंबेडकरवादी और क्रिश्चियनवादी मत करिए ना, ये इस बात पर वो मैंने क्वेश्चन किया था। देखिए, ये जो यहाँ पर ये बच्चे बैठे हैं, जो युवा ये बैठे हैं, ये राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं है, नहीं है, इनका इस्तेमाल हो चुका है, इस मंच का इस्तेमाल हो चुका है, इसको राजनीतिक दलों ने अपना मोहरा बना लिया अपनी राजनीति चमकाने का। अब इनको चाहिए कि अब तो खैर जो बदनामी होनी थी, जो इस पे आरोप लगने से लग गए, अब उनकी सूझबूझ है वो कैसे इस आंदोलन से निकलते हैं, अन्यथा ये आंदोलन पूरा अब राजनीतिक रंग ले चुका है, और इसका जो जनता के बीच में जो सहानुभूति जानी चाहिए थी, जो जन आंदोलन बनना था वो नहीं बना, और सहानुभूति भी खोते जा रहे हैं ऐसे ऐसे। अब बताइए, अभी 28 तारीख को संसद भवन का ऐलान, नए संसद भवन का इनोग्रेशन हो रहा, और यहाँ से आह्वान दिया जा रहा है हम उसको घेरेंगे, ये किस तरह का लोकतंत्र है? आप अपने ही देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको चुनौतियां देंगे? बात आपकी शुरू हो रही है कानून से, बात आपकी जा रही है न्यायालय में, संसद भवन क्यों घेरोगे भाई, रास्ता क्यों जाम करोगे, जनता नहीं परेशान हो रही? तो अगर आपने लड़ाई लड़नी है, अगर आप अपने अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, तो न्याय फिर सबको संविधान सबके लिए अलग अलग नहीं बना? जो बबीता विनेश फोगाट के लिए, जो साक्षी मलिक के लिए, वही कानून जितेंद्र तिवारी के लिए, वही कानून अंकिता भंडारी के लिए जिसको मार दिया गया, वही कानून श्रद्धा के लिए जिसको 35 टुकड़े कर दिए गए, उसके लिए भी वही कानून है। बिल्कुल साहब, आपने जो कहा है मैंने पिछली बार यहाँ पर अनुभव भी किया है कि कुछ लोग अपना जातिवाद का या कुछ, मैंने अच्छा ये बताइए कि यहाँ बेटियों को न्याय मिलना चाहिए कि राजनीति करना चाहिए, इस पर क्या आपका कहना है? ये तो ये तय करें ना, ये किस लिए आए थे? ये तो यही शुरू से नाम लगा रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ, हमें न्याय दो। तो न्याय आप मांग रहे हो, ठीक है, न्याय जब मांग रहे हो तो यहाँ झंडे क्यों लहराए जा रहे हैं अलग अलग पार्टियों के? ठीक है, समर्थन कर रहे हैं, आ रहे तो और आंदोलन नहीं हुआ, अन्ना का आंदोलन नहीं हुआ क्या? अन्ना ने तो नहीं झंडे दिए अपने मंच पे किसी को? यहाँ पे सारे आके भाषण दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं सभी लोगों को, तो ये चीज गलत है। यहाँ पे नारे लगा रहे हैं आजादी के नारे, यहाँ पे लगे इसी मंच पे ना आजादी के नारे लगा गए। नहीं, किस बात की आजादी की? हमको अलग राष्ट्र चाहिए, मनुवाद से आजादी, संविधान उसका न्यायालय से उनको आजादी चाहिए, ब्राह्मणों से आजादी चाहिए। अरे ब्राह्मणों से आजादी चाहिए तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को उठा के फेंको पहले, वो तो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उसे हटाओ पहले, उसको इतिहास से हटा दोगे क्या? अरे ब्राह्मणों ने अगर पद लिया है तो ब्राह्मणों ने पहली फांसी ब्राह्मण ही तो लटके थे, तो वो नहीं ना। तो मैं तो कह रहा हूँ सरकार से कि जो ये मांग रहे हैं, ये ब्राह्मणों से आजादी चाहिए ना, आजादी देके पंडित नेहरू को भी आतंकी घोषित कर दे, चंद्रशेखर आजाद को भी आतंकी घोषित कर दे, मंगल पांडे को भी आतंकी घोषित कर दे, सुभाष चंद्र बोस को भी आतंकी, उनके यहाँ पे नारे लगाते हैं चंद्रशेखर आजाद की जय और भगत सिंह की जय। अरे उन्होंने इसमें बलिदान दिए थे, श्रीमती सरोजनी नायडू, बहुत सारे हैं जो लक्ष्मी बाई किन किन का कल्पना मरती हो। ब्राह्मण देखिए, किसी भी महापुरुष को, चाहे कोई भी महापुरुष है, किसी भी जाति का है, किसी भी महापुरुष के ऊपर वो उसका कोटा ना, आप जातिवाद में, जब उन्होंने बलिदान दिया था किसी एक जाति के लिए नहीं दिया था, बलिदान दिया पूरे देश के लिए,
अब उसको अगर जातिवाद के इस तरह से रंग दिया जाएगा तो ये अपनी ही विश्वसनीयता खो चुके हैं और भी रही गई इज्जत वो भी खत्म हो जाएगी अगर ऐसे नारे इस मंच से चलते रहे तो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी बेबाकी से अपना जो पक्ष रखा है बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों देखिए, अपने अपने ढंग से रख रही है, सबका राइट बनता है। तो अब ये एपिसोड मैं यही खत्म कर रहा हूँ, और हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद।